भगवान का पांचवा विवाह मित्र वृंदा के साथ में हुआ। नगनजीत नाम के राजा हैं, उनके यहाँ पर 7 बैल हैं और उनकी एक प्रतिज्ञा है कि जो 7 बैलों को एक नाथ में नाथ देगा ना, तो मैं अपनी बहन का सत्या का विवाह उसके साथ में कर दूंगा। भगवान गए और 7 बैलों को एक नाथ में नाथ दिया। भगवान का छठवां विवाह सत्या के साथ में हो गया। एक राजाधिराज देवी हैं, जिनका जो बड़ी पराक्रमी हैं, स्त्री हैं, राजपाल को संभालती हैं, उन देवी की पुत्री का नाम है भद्रा। 7वां विवाह भगवान का भद्रा के साथ में हो गया। मद्र देश के राजा हैं, जिनकी बिटिया का नाम है लक्षणा। भगवान का 8वां विवाह लक्षणा के साथ में हुआ। इस तरह भगवान के 8 विवाह हो गए। एक बार क्या हुआ, नारद जी द्वारका आए तो वो पारिजात के पुष्प लेकर के आए और वो पुष्प उन्होंने सत्यभामा को दिया। सत्यभामा ने कहा कि पुष्प इतना सुंदर है तो पेड़ कितना सुंदर होगा, मैं चाहती हूं कि वो कल्प वृक्ष मेरे आंगन में हो। उस कल्प वृक्ष को लाने के लिए सत्यभामा को लेकर के भगवान निकले इंद्रलोक के लिए। इधर क्या हुआ, भौमासुर का नाम का जो राक्षस था, उसने जो भूमि से पैदा हुआ, उसने बहुत सी राजकुमारियों को बंदी बना लिया था। 16,100 राजकुमारियों को उसने बंदी बना लिया और ये मन में ये संकल्प कर लिया कि जब ये पूरी 1,00,000 हो जाएगी ना, तब इन सब के साथ में मैं ब्याह करूंगा। आज जब भगवान जा रहे थे, उस भौमासुर की नजर सत्यभामा पर पड़ी और सोचने लगा क्यों ना एक काम करो, मैं इसी को मार देता हूं और ये जो सुंदर स्त्री है ना, इसे इससे छीन लेता हूं। तो भौमासुर का और भगवान का युद्ध छिड़ गया। युद्ध में भगवान ने भौमासुर को मार दिया और 16,100 कन्याओं को, जो राजकुमारियां थी, उनको बंधन से उसने मुक्त कराया। लेकिन वो राजकुमारियां कहने लगी, भगवान आपने हमें इस राक्षस की यहां से छुड़ा तो दिया, लेकिन अब हम जाएं तो जाएं कहां, हमारे योग्य कोई ऐसी जगह नहीं है उचित, क्योंकि अब हमारे घरवाले हमें स्वीकार नहीं करेंगे। अब हमारे सामने तो दो ही रास्ते हैं, या तो हम किसी गंदी गलियों में खो जाएं, या फिर कुएं में कूद करके अपनी जान दे दें। भगवान ने कहा सुनो, एक तीसरा रास्ता और है, अगर तुम मानो तो, कि मैं तुम 16,100 के साथ में एक ही मुहूर्त में विवाह करने के लिए तैयार हूं। इस तरह भगवान के विवाह हुए। 16,108 भगवान के विवाह हो गए। भगवान 16,000 रानियों के साथ में रहते हैं, लेकिन भैया यहां पर तो एक घरवाली जब आ जाती है ना घर में, वही पूरे घर का चौपट कर देती है। देखिए माताओं कहते हैं ना कि जितनी सामर्थ्य हमारी उंगली में नहीं होती, उतनी ज्यादा सामर्थ्य होती है इस मुट्ठी में, है नहीं? तो माताओं को चाहिए कि अपने घर को हमेशा बांध करके रखें। घर में आई और आने के बाद ही क्या होता है, बल महाराज क्या करूं, आप ऐसा बात कह रहे हो, मैं बिल्कुल भी न्यारी नहीं होती, लेकिन सास इतनी लड़ाकू मिली है कि पूछो मतीना, 1 मिनट रोटी खाना हराम है, जीने नहीं देती मुझे। और जब हम न्यारे भी हुए ना, तो हमें एक चम्मच तक उसने नहीं दी।
अरे भैया, जिसने अपनी प्राणों को निकाल करके अपने बेटे को तुम्हें सौंप दिया, माताओं को चाहिए देखो, भले ही से कहते हैं भाई क्या करें, बनती नहीं है ज्यादा, देखिए चूल्हे भले ही अलग हो जाएं, लेकिन कभी भी इंसान के आपस में मन अलग नहीं होने चाहिए। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, एक ना एक दिन काम आते हैं। पानी कितना भी खराब हो जाए, अगर पीने के काम नहीं आएगा ना, तो कम से कम आग तो बुझा ही सकता है। आग बुझाने के काम तो जरूर आएगा, इसलिए रिश्तों को संभाल कर रखें, बांध कर रखें। कैसे हैं, धिया जमाई ले गए और बहुवल ले गई पूत, और बुढ़िया बूढ़े घर में ऐसे भटके जैसे घर में भटके भूत। मान लो आपने आज उसके बेटे को उससे छीन लिया, और माँ बाप बेचारे अकेले रोटी ठेक रहे हैं, खा रहे हैं। कभी अपने ऊपर ये अनुभव करके देखना कि अगर मान लो यही सब मेरी संतान मेरे साथ में करे तो मेरा क्या होगा। और अगर अनुभव करोगे ना, तो ऐसा कभी भी माता बहनों करोगे ही नहीं। अपनी सास की सेवा करो, चाहे कैसी भी है। देखिए, अगर ये है कि आप चलो भाई हमारी आपस में नहीं बन रही, चूल्हे अलग कर लो, लेकिन दिल कभी अलग नहीं होने चाहिए। और अपनी सास ससुर की वहां से भी आप सेवा कर सकते हैं। बल पिताजी आप मत बनाइए, हम दोनों टाइम आपके लिए भोजन यहीं पर देंगे, सारा काम करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सास अलग रोटी, चार चार मैंने बहुत देखा है, चार चार लड़के हैं, लेकिन फिर भी मैया अपने आप बना के खा रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हर आदमी जो मरता है ना, तो उसकी बड़ी कामना होती है। क्या कहता है वो, अरे भगता स्वर्ग से आयो है संदेश बुलावो, आए क्यों राम को, भगता स्वर्ग से आयो संदेश बोलावो, आए गो गो राम को, भगता स्वर्ग से आयो है संदेश बुलावो, आए गो राम को, भगता स्वर्ग से आयो है संदेश बुलावो, आए गो राम को। मिनट प्रभु मुझको दे दो कर बेटा से बात, एक मिनट प्रभु मुझको दे दो कर बेटा से बात। देखिए जब हम मरते हैं ना, तो यही कामना, आज एक बाप मर रहा है और क्या कह रहा है, यमराज के दूध जब उसे लेने आए ना, तो क्या कहता है, एक मिनट प्रभु मुझको दे दो कर बेटा से बात, मिनट प्रभु मुझको दे दो कर बेटा से बात, एक मिनट प्रभु मुझको दे दो कर बेटा से बात, एक मिनट प्रभु मुझको दे दो कर बेटा से बात। अरे भाई भाई मिलकर रहना, भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आए गयो राम को, भगता स्वर से आयो है संदेश बुलावो, आए गो राम को, भगता स्वर से आयो है संदेश बुलावो, आए गयो राम को, भगता स्वर्ग से आयो है संदेश बुलावो, आए गो राम को। अब एक सास के मरने की बारी आई, क्या कहती है अपनी बहू से, एक मिनट प्रभु मुझको दे दो करो बहु से बात, एक मिनट प्रभु मुझको दे दो करो बहु से बात, एक मिनट
प्रभु मुझ को दे तो करूं प्रभु से बात। एक मिनट प्रभु मुझ को दे तो करूं प्रभु से बात। अरे मैं तुम्हारा धर्म निभाली, मैं तुम्हारा धर्म निभाली, बांध के रइयों पर पारी को लाभो आयो राम को। भगता स्वर्ग सा आयो है संदेश को लाभो आयो राम को। विभक्ता स्वर्ग से आयो है संदेश को लाभो आयो राम को। भगता स्वर्ग से आयो है संदेश को लाभो राम। हाँ एक मिनट की मोहलत दे दो करूं बेटी से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो करूं बेटी से बात। एक माँ जब मरने को तैयार हुई कहती है यमराज जी से, यमराज जी थोड़ा एक मिनट ठहर जाओ, अभी तक मेरी बेटी का विवाह नहीं हुआ और मैंने बड़े नाजों से उस बेटी को पाला और पाल पोस करके बड़ा किया है और अभी मैंने इसका विवाह किया है। मैं उससे कुछ बात कहना चाहती हूँ। एक मिनट की मोहलत दे दो करूं बेटी से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो करूं बेटी से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो करूं बेटी से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो करूं बेटी से बात। अरे मन की मेरे मन में रह गई, मन की मेरे मन में रह गई, बीरा भरे गो तेरो भात को लाभो आएगो राम को। ये भक्ता स्वर्ग से आयो है संदेश को लाभो आएगो राम को। एक पत्नी जब मरने लगी तो यमराज जी से कहती है, यमराज जी मुझे एक मिनट की मोहलत दे दीजिए, मैं अपने पति से बात करना चाहती हूँ। अभी अभी कुछ ही दिन हुए थे शादी को, नई नई शादी हुई थी, लेकिन मैं आज अपने पति को छोड़ कर के जा रही हूँ। मुझे कुछ उनसे कहना है, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। एक मिनट की मोहलत दे तो करूं पति से बात। एक मिनट की मोहलत दे तो करूं पति से बात। एक मिनट की मोहलत दे तो करूं पति से बात। एक मिनट की मोहलत दे तो करूं पति से बात। रोली मोली चादर चुंगरी, रोली मोली चादर मेहंदी, रोली मोली चुंगरी मेहंदी, रोली मोली चुंगरी मोली, मुंदियों से भर दो मेरी मांगे को लाभो आए को नाम और भक्ता स्वर्ग से आयो है संदेश को लाभो आए को राम को। भक्ता स्वर्ग से आयो है संदेश को लाभो आए को राम को। एक मिनट की मोहलत दे दो करूं प्रभु से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो करूं प्रभु से बात। मैंने जिस कन्हैया का जीवन भर ध्यान किया है, एक मिनट मुझे उससे बात करने दो, मुझे एक मिनट की मोहलत और दे दो। एक मिनट की
मोहलत दे दो करो कन्हैया की बात, एक मिनट की मोहलत दे दो करो कन्हैया की बात, एक मिनट की दे दो करो कन्हैया की बात, एक मिनट की मोहलत दे दो करो प्रभु से बात। अरे जीवन मेरा बीत गया अब, जीवन मेरा बीत गया अब, जीवन मेरा बीत गया अब, कर दो भवसागर से पार बोला वो आएगा तामी को ने बता स्वर्ग से आयो हे सन देश बोला वो आएगा तामी को भगता स्वर्ग से आयो हे सन देश बोला वो आएगा राम को हे मुक्ता स्वर्ग से आयो हे सन देश बोला वो आएगा